नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है मल द्वार पर दर्द किन किन व्याधियों में होता है, आखिर कारण क्या है। शौच के रास्ते पर अगर आपको तकलीफ हो रही है, उठने बैठने में परेशानी हो रही है, दर्द ज़्यादा है, स्वाभाविक है, जिसको होगा वही जज करेगा, जानेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आप ये जानें कि दर्द अगर आपके शौच के रास्ते पे हो रहा है तो वो केवल बवासीर ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बवासीर होगा तभी दर्द होगा। साथ साथ में ऐसी कई व्याधियाँ हैं शौच के रास्ते पर जिसमें दर्द एक लक्षण होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके शौच के रास्ते पर अगर दर्द हो रहा है, तकलीफ़ चाहे वो हल्की हो, ज़्यादा हो या मध्यम, ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट से मिले, 400 चिकित्सक से मिले, प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिले और उसकी प्रॉपर चेकअप कराएं, डायग्नोस कराएं, उसके हिसाब से, उस डायग्नोस के हिसाब से चिकित्सक के निर्देश के अनुसार उसको फॉलो करें और अपनी चिकित्सा कराएं, तभी आप बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं शौच के रास्ते पर किन किन व्याधियों में दर्द होता है। दोस्तों शौच के रास्ते में मल द्वार पे जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, आप उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तभी आप किसी से शेयर भी करते हैं, बताते हैं, क्योंकि ऐसी तकलीफ़ है कि हम उसको अवॉइड करते हैं, किसी कोई जान ना जाए कि हमको तकलीफ़ है, बवासीर की दिक्कत है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो शौच के रास्ते पर तकलीफ होती है उसका सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण होता है वो एक्यूट फिशर की कंडीशन आती है। अगर बहुत तकलीफ़ है, एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर, इन दोनों कंडीशन ऐसी होती है शौच के रास्ते पर, आयुर्वेद की भाषा में परिकर्तिका कहते हैं, एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर, ऐसी स्थिति में आपको दर्द ज़्यादा होता है, जहाँ पे शौच के रास्ते पे एक घाव बन जाता है, व्रण बन जाता है और आपको उठने बैठने में तकलीफ होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि बवासीर है तो तकलीफ है, बवासीर की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है उसके आधार पर चिकित्सा चेंज हो जाती है। तो शौच के रास्ते पर तकलीफ होने का जो पहला कारण आता है दोस्तों, एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर में दर्द ज़्यादा होता है। दूसरी कंडीशन सेंटिनल पाइल मास, जो सेंटिनल टैग होते हैं, जो बाहरी स्किन त्वचा बढ़ती है आपके मल द्वार यानी कि एनल कैनाल का जो रिंग होता है वहीं से जो लटकता है मस्सा, उसमें एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर की कंडीशन में वहाँ पर डेवलपमेंट होती है जिसको सेंटिनल पाइल मास कहते हैं, उसमें भी तकलीफ होता है। वो पाइल मास दर्द की तकलीफ के, फिशर के दर्द की वजह से स्वेल हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जो उठने बैठने पर आपको पीड़ा देता है, यहाँ तक कि अगर आप चलते हैं तो जब आपके पैर घर्षण करते हैं तो वो रगड़ता है, यात्रा आपकी बाधित हो जाती है, गाड़ी आप चलाने में असमर्थ हो जाते हैं, साइकिल चलाने में असमर्थता हो जाती है, हार्ड सरफेस से बैठने में दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में जो एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर, सेंटिनल पाइल मास, इसमें तकलीफ ज़्यादा होता है। अगली कंडीशन होती है दोस्तों थ्रोम्बोस पाइल मास, यानी कि जो एक्सटर्नल पाइल मास होता है, जो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मिश्रित भी हो सकता है, जहाँ पे शौच के मल द्वार पे रास्ते पे आप एक फूला हुआ उभार महसूस होता है, लगता है कि हाँ बहुत बड़ा मस्सा है, फूल गया है, ऐसी स्थिति में दोस्तों उसमें भी तकलीफ होती है। दर्द होने का कारण जो थ्रोम्बोस पाइल मास होता है, थ्रोम्बोस पाइल्स होता है, उसमें भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको अगर दर्द हो रहा है तो फिशर है, क्रॉनिक फिशर है या सेंटिनल टैग है, थ्रोम्बोस पाइल्स भी हो सकता है। इसलिए हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं आपसे कि कभी भी ऐसी तकलीफ़ हो, सीवियर ब्लड आए, तक पेन ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको अवॉइड ना करें, चिकित्सक से मिले, परामर्श करें, दिखाएं, 400 चिकित्सक से मिले और उनके अनुसार अपनी चिकित्सा फॉलो करें। दूसरा है दोस्तों हेमेटोमा। हेमेटोमा का अर्थ होता है कि शौच के रास्ते पर या एनल कैनाल के भीतरी द्वारों पर, भीतरी झिल्लियों पर एक अचानक से डेवलप होने वाली स्वेलिंग होती है जिसमें ब्लड कलेक्शन हो जाता है, वो भी बहुत पेनफुल होता है। ऐसी स्थिति में जज करना, उसकी भी चिकित्सा भिन्न हो जाती है, क्योंकि जब तक उसका प्रत्यक्ष उस रूप में डायग्नोस न किया जाए उसकी चिकित्सा बेहतर तरीके से नहीं की जा सकती है। उस कंडीशन में भी सीवियर पेन होता है, फील होता है एनल पेरिएनल एब्सेस यानी पैखाने के रास्ते के अंदर या बाहरी हिस्से पे कहीं से भी इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, एक ऊंड बनना शुरू हो जाता है, घाव बनना शुरू हो जाता है, उसके उसमें भी आपको तकलीफ होती है, दर्द देता है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है और वही चीज़ें आगे चल के भगंदर के रूप में निर्माण करती हैं। फिस्टुला हो सकता है, इंटरनल जो ब्लाइंड फिस्टुला होते हैं उसमें भी पेन होता है या कभी कभी सेंसलेस होता है, पता भी नहीं चलता है।
तो तकलीफ़ आपके पेरिनल एब्सेस पखाने के रास्ते पे अंदर या शौच के बाहर कहीं पे भी एक घाव का बनना, अंदर अंदर घाव का बनना, उसमें भी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। फिस्टुला जो बनता है, बगंदर बनता है, उसमें भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब तक वो पक् होकर के व्रण डिस्चार्ज के रूप में, ब्लड विशेष पस के रूप में या पूरे पस के रूप में, जब तक वो ड्रेन नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, आपको तकलीफ़ देगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, दर्द होने के कारणों में ये प्रमुख है, इंटरनल हाइपरट्रोफाइड पैपिला या अदर जो इंटरनल पाइल मास होते हैं, उसमें दर्द बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कि ऐसे में तो उसमें तकलीफ़ होती है। लेकिन ये जो विकार हैं शौच के रास्ते पे, टीयर होने के, फिशर होने के, दर्द होने के, जो प्रमुख कारणों में आते हैं, ये कुछ व्याधियाँ सबसे प्रमुख हैं। इसमें सीवियर दर्द इसी वजह से होता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं तो शरीर मैनेज कर लेता है, आप सिर्फ बात करेंगे, सिकाई करेंगे, मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन, वो घाव ज़्यादा है, तो आपको उस जतन से, उस प्रकार के जो घरेलू नुस्खे हैं, जो आदमी बता दिया कि ये कर लो कर लो, उससे आपको आराम नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि आप 400 चिकित्सक से मिलें, आपके नज़दीक में कोई 400 चिकित्सक हो, ज़िले में हो, क्षेत्र में हो, वहाँ मिलें, प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिलें, और उसको डायग्नोस करा के, अपनी कंप्लेन के अनुसार डायग्नोस करा के उसकी प्रॉपर चिकित्सा करें। ऐसी स्थिति में दोस्तों, आप उस चीज़ को अवॉइड ना करें, क्योंकि वो अदृश्य रोग है, आप साक्षात उसको देख नहीं सकते हैं, जज नहीं कर सकते हैं। शौच के रास्ते पे जो तकलीफ़ होती है, जब तक अगला एक्सपर्ट नहीं देखा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं होगी और उसके अनुसार आपको बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो आपका वो रोग आपके शरीर में ही रहेगा और आपको तकलीफ़ देगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर आपके शौच के रास्ते पे ब्लड आ रहा है, सीवियर ब्लीडिंग हो, चाहे किसी प्रकार का ब्लड आ रहा हो, पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तकलीफ़ में है आप, तो आप उसका अवॉइड न करें, शर्म और संकोच त्याग करके एक्सपर्ट से मिले, 400 चिकित्सक से मिले और प्रॉपर डायग्नोस करा के ही अपना चिकित्सा कराएं। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है, किसी प्रकार की क्वेरी, किसी विषय से संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस विषय को अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।